रोहतक के सांपला में बिजली कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया और बिजली घर में ही एसडीओ को बंधक बना लिया। कर्मचारियों ने एसडीओ के दफ्तर में ही एसडीओ को कई घंटों तक बंधक बनाया था और एसडीओ ऑफिस के बाहर की जमकर नारेबाजी भी की। कर्मचारियों का कहना है कि लगातार उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है और एसडीओ अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं। सांपला सब डिवीजन में सुनील सिक्का को बतौर एसडीओ नियुक्त किया गया है और उन्हें अभी ज्वाइन किए हुए महज एक हफ्ता ही हुआ। ऐसे में विभाग के लगभग 70 कर्मचारियों ने एसडीओ सुनील सिक्का को उनके ही दफ्तर में बंधक बना लिया और दफ्तर के बाहर बैठकर जमकर नारेबाजी भी की। साथ ही कर्मचारियों ने एसडीओ सुनील सिक्का के दफ्तर की बिजली का कनेक्शन भी काट दिया। कर्मचारियों ने कहा कि अगर हालत ठीक नहीं हुए तो एसडीओ के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। सांपला में नया एसडीओ आया सुनील कुमार सिक्का जी, इन्होंने आते ही सारे स्टाफ को एक डिसिप्लिन के कर्मचारी से लेकर के और हमारा सीनियर जेई तक या फिर जो हमारा कर्मचारी फोरमैन है वो जो 38-40 साल की नौकरी कर रहा है उसको लेकर के, यानी कि कोई भी कर्मचारी हो कोई भी जेई हो ये कह रहा है सिर्फ मेरी सुनो, जो मैं कह रहा हूँ उसको फॉलो करो, इसके अलावा आपको कहीं पर कुछ नहीं करना। ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि 24 घंटे में से केवल 3 या 4 घंटे आपको मिलेंगे अपने घर पर जाकर नहाने खाने धोने के लिए, बाकी 20 घंटे लगातार आपको लाइन पर रहना है, जो मैं कहूँ वो काम करना है। इसका बहावत में भी यही तरीका था, ये कर्मचारियों को तो तंग करने का इसका मकसद है, इसका एक ही मकसद है साथियों कि कर्मचारियों को इतना प्रताड़ित कर दो ये सरेंडर कर दे, आत्मसमर्पण कर दे, और जिस तरीके से तू इनको चलाए तेरे लिए पैसा कमा करके लाए, पब्लिक की जेब को खसवटे, पब्लिक के ऊपर अत्याचार